हे hey गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक व्हाइट सॉस पास्ता। इसको मैं मैक्रोनी में बनाऊंगी। आप चाहे तो पेने या फिर अपने मन पसंदीदा पास्ते के साथ इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है और इसको हम विदाउट अनियन गार्लिक में बनाएंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पहले प्रोसेस में हम पास्ता को बॉयल करेंगे। उसके लिए हम एक कुकिंग डिश में लेंगे करीबन 4 कप पानी और थोड़ा सा उबलने देंगे। अब डालेंगे 1 टीस्पून नमक बॉइलिंग प्रोसेस को फास्टन करने के लिए। इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम डालेंगे 100 ग्राम मैक्रोनी और थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। फिर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून रिफाइंड तेल, जैसे कि पास्ता आपस में ना चिपके। फिर हम इसको स्टर करके हाई मीडियम हीट में 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। पास्ता को हमें फर्म रखना है और ओवरकुक नहीं करना है। 10 मिनट के बाद इसको चेक करके हम स्ट्रेन कर लेंगे और बॉइल्ड पास्ता वाटर को हम फर्दर प्रोसेस के लिए रख लेंगे। अब चलते हैं सेकेंड प्रोसेस के लिए, जिसमें हम वेजीज को सॉटे करेंगे। उसके लिए हमें कढ़ाई में डालेंगे 1/2 टेबलस्पून बटर। बटर आप मीडियम हीट में डालें, जैसे कि ये ना जले। बटर मेल्ट होने पर हम डालेंगे 1/2 कप गाजर और फ्यू सेकेंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे। फिर जाएगा 1/4 कप अमेरिकन स्वीट कॉर्न और करीबन 1 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर एक बड़े कैप्सिकम को अच्छे से चॉप करके डालेंगे और करीबन 1 मिनट के आसपास इसको स्टर कर लेंगे। और आखिर में जाएगा 1/4 टीस्पून नमक। फिर कुछ ही सेकेंड्स के लिए हम इसको स्टर करके एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। हमें वेजीज को क्रंची रखना है और ओवरकुक नहीं करना है। अब चलिए व्हाइट सॉस बना लेते हैं। उसके लिए हम मध्यम आंच में डालेंगे 1/2 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा, और तुरंत ही इसको चला लेना है, जैसे कि गांठ ना बने। इसको चलाते वक्त आपको फ्लेम धीमे आंच में ही रखना है, नहीं तो मैदा जल जाएगा। मैदे को हमें 1.5 से 2 मिनट तक पका लेना है, जैसे कि इसका रॉ स्मेल चला जाए। और फिर 1 कप दूध डाल के इसको कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है, जैसे कि गांठ ना बने। धीमे आंच में इसको चलाते रहें, जैसे कि एक सेमी थिक व्हाइट सॉस ग्रेवी बन जाए। सीजनिंग के लिए हम डालेंगे 1/2 टीस्पून क्रश्ड व्हाइट पेपर यानी कि कुटी हुई सफेद मिर्च। आप चाहें तो इसके बदले काले मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी नमक और 2 ब्लॉक्स ऑफ ग्रेटेड अमूल प्रोसेस चीज। आप चाहें तो अपने मन पसंदीदार चीज इसमें डाल सकते हैं। और इसको लो हीट में हमें थोड़ा सा चला लेना है, जैसे कि चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीज मेल्ट होने पर हम बटर में सॉटे किए हुए वेजीज को डालेंगे। फिर जाएगा बॉइल्ड पास्ता और व्हाइट सॉस में इसको अच्छे से कोट कर लेना है। फिर हम डालेंगे 1/2 कप बॉइल्ड पास्ता वाटर, जिसको हमने स्टोर करके रखा था, जैसे कि व्हाइट सॉस की एक अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाए। अब हम डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स और कुटी हुई सफेद मिर्च। सीजनिंग्स आप अपने हिसाब से डालें। फॉलोड बाई 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स भी आप अपने हिसाब से डालें। मिक्स्ड हर्ब्स के बदले आप चाहें तो ऑरिगेनो या फिर अपने हिसाब से कोई भी हर्ब्स डाल सकते हैं। तो लीजिए, पास्ता हमारा बनके तैयार है। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और गर्मा गर्म करेंगे सर्व। तो लीजिए, झटपट से बनके तैयार हो गया है हमारा व्हाइट सॉस पास्ता। इसको आप घर पे जरूर ट्राई करें
और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई रेसिपी पोस्ट करें तो आप उसकी जानकारी सबसे पहले पा सकें। Until then, happy cooking and stay tuned for more recipes. Thank you.